गरम पोस्ट को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। अगर आप भी दिवाली और आने वाले त्योहारों में जमकर खरीदारी करना चाहते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतने की अभी से जरूरत है। अभी से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दें और नवंबर से पहले ही बैंक से पैसे निकाल लें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। दरअसल नवंबर के पहले हफ्ते में ही दिवाली का त्योहार 5 तारीख से शुरू हो जाएगा। 5 तारीख को धनतेरस है, 6 को छोटी दिवाली और 7 को दिवाली, 8 को गोवर्धन और 9 को भाई दूज की पूजा है। वहीं 10 और 11 नवंबर को शनिवार व रविवार है। इस तरह कई राज्यों में से 5 से लेकर 11 तारीख तक छुट्टी रहेगी। जिन राज्यों में दिवाली के त्योहार का असर नहीं पड़ेगा वो दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्य हैं। उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत में इस दौरान बैंकों में काम नहीं होगा। वहीं महीने के अंत में 21 नवंबर को ईद मिलाद व 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस है। 23 नवंबर को गुरु नानक देव जी की जयंती है और दक्षिण भारत को छोड़कर के अधिकांश राज्यों में छुट्टी रहेगी। दिवाली के बाद 13 और 14 तारीख को बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों व झारखंड में छठ पूजा के चलते बैंकों में अवकाश रहेगा। हालांकि छठ पूजा अब देश के राज्यों में होती है, इसलिए इस त्योहार का असर अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। जितने दिन बैंकों में अवकाश रहेगा उतने दिन एटीएम भी कैश की किल्लत हो सकती है। हालांकि बैंकों की तरफ से ये कहा गया है कि त्योहार के वक्त एटीएम में कैश की दिक्कत न हो, इसके लिए पहले से ही पर्याप्त व्यवस्था रखने के लिए कैश मैनेज करने वाली कंपनियों को कहा जा चुका है। जो भी हो, आपको सावधान रहने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि त्योहारी सीजन में ही आपकी जेब खाली हो जाए। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।